काशी अपने में ही संपूर्ण एक राजधानी है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी है और देश विदेश में भारत को पहचान दिलाने वाली युगों युगों से काशी के बारे में कहा जाता है कि ये इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है। जितना पुराना इतिहास नहीं होगा उससे पुरानी काशी है। सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी प्रणाम, कैलाश भट्टट जी, विभू सरीन जी, शैलेश तिवारी जी, अजितेश जी, यतीन नाथ चतुर्वेदी जी, नवल किशोर मिश्रा जी, सारे लोग जो हम लोग साथ मिलकर के, अरविंद अरुण मिश्रा जी, सारे लोगों को, कैलाश पांडे जी जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुमित जी, चंद्र प्रकाश तिवारी जी, रायल रामचंद्र यादव जी, सारे लोगों का वेलकम। और काशी को हम जानने समझने के लिए हम लोग यहाँ जुड़ते हैं और एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। मेरी बड़ी भाभी जी आभा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं और अशोक श्रीवास्तव जी, धीरेंद्र मोहन तिवारी जी, सर्वेश तिवारी, अशोक श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रश्न जो पूछेंगे, पंचकोशी यात्रा में तीसरे दिन का पड़ाव किस जगह पर होता है? काशी के पंचकोशी यात्रा में तीसरे दिन का पड़ाव किस स्थान, किस तीर्थ स्थान पर होता है? बलवंत नारायण झा जी, इंद्रेश मिश्र जी बिल्कुल सही कहे, अरविंद अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बताया, रामेश्वरम। रामेश्वरम जहाँ लोटा भंटा मेला होता है और वरुणा नदी के किनारे, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे करें कंदवा, कंदवा नहीं है, ये सही आंसर है रामेश्वरम। अजितेश सिंह जी, विकास दुबे जी सबसे पहले बताया, अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, प्रभात ठाकुर जी जुड़ गए मुंबई से। देखिए बनारस के चाहने वाले कहाँ कहाँ हैं, पूरे देश दुनिया में हैं और सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तीसरा पड़ाव पंचकोशी मार्ग का रामेश्वरम में होता है, बिल्कुल सही कहे अभिषेक नारायण जी, बलवंत नारायण झा जी, नवल किशोर जी आप सही नहीं कह रहे हैं, कंदवा नहीं है, यतीन नाथ चतुर्वेदी बिल्कुल सही कह रहे हैं और के कन्हैया दुबे जी जुड़ गए हैं, के डी जी बहुत बहुत, के डी जी आपका स्वागत है। अगला सवाल, बेढप बनारसी काशी के एक बहुत विख्यात नाम है, बेढप बनारसी। ज्योति कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं दिल्ली से, हरि गौतम जी नेपाल से, बेढप बनारसी इनका नाम क्यों प्रसिद्ध था और इनका ओरिजिनल नाम क्या है? बेढप बनारसी जी का ओरिजिनल नाम क्या है और क्यों प्रख्यात थे, क्यों फेमस थे ये? सेतुपति त्रिपाठी जुड़ गए हैं, सुनील सिंह जी हैं, सबको, इंद्रेश महेंद्र मिश्र जी हैं, सबको सादर वेलकम टू काशी क्विज। हमारे ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी जुड़ गए हैं, नमो राघवाम स्वामी जी। अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं कि हास्य कवि थे, बिल्कुल सही कहा आपने। कैलाश भट्टट जी ने हैदराबाद से बताया, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बिल्कुल ठीक कहा। नंद जी सरकार भी आ गए हैं, अभिषेक मिश्रा जी बिल्कुल सही कहे, हास्य कवि थे और इनका नाम था, सुनो श्रवण इम्तियाज को तो मैं अभी बुलाऊंगा, इनका नाम था जैसा अभी
कैलाश भट्टर जी ने बताया, कृष्ण देव प्रसाद गौड़, बहुत कम लोग जानते हैं इनका ओरिजिनल नाम, ये हास्य कवि थे और कृष्ण प्रसाद गौड़ जी, बिल्कुल ठीक है। आप सबको पता होगा काशी के एक बहुत महान विभूति थी राय कृष्णदास। राय कृष्णदास जी का काशी में क्या योगदान है? राय कृष्णदास जी काशी में क्या योगदान है राय कृष्णदास जी का? राकेश पांडे जी प्रणाम करें, बिल्कुल प्रणाम। अफसर खान जी बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल। केटी प्रसाद गौड़ जी ठीक कह रहे हैं। राय कृष्णदास जी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहे आप अरविंद। अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भारत कला भवन जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भारत कला भवन है, ये महान देन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कैलाश भट्टर जी, अजितेश सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बलवंत राणा झा जी, भारत कला भवन राय कृष्णदास जी की देन है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही कहा। आइए बैठिए, आप भी आइए, आप भी आवें मेरे साथ। मेरी बिटिया जी भी जुड़ गई हैं, गौरी जी भी जुड़ गई हैं मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है, विभू शरीन जी सही कह रहे हैं, डॉक्टर नंद किशोर पांडे जी बिल्कुल, नवल किशोर मिश्रा जी, शशिकांत तिवारी जी भी जुड़ गए हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं BHU में, और हरि गौतम जी कह रहे हैं आपका नेपाल में स्वागत है। बिल्कुल सहयोग क्या पूरा इन्होंने स्थापना ही कर दिया और बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। अगला सवाल आप सबके लिए, बनारस का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, काशी के एक मोहल्ले में नेपाल के 3 प्रधानमंत्री रहे, वो मोहल्ला कौन सा है और वो तीनों प्रधानमंत्री कौन कौन से थे? नेपाल के देखिए फरीद हसन खान साहब भी जुड़ गए हैं जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, अभिषेक गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल सही कहे अभिषेक जी। नेपाल के 3 प्रधानमंत्री काशी के ही एक मोहल्ले में रहे, वो मोहल्ला कौन सा है और वो 3 प्रधानमंत्री कौन से हैं? वो मोहल्ला कौन सा है? राजीव मोहन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, ज्योति मिश्रा जी ने सबसे पहले बताया भदैनी, भदैनी मोहल्ला, कोइराला फैमिली का नाम ले रहे हैं, बहुत ही सही नाम ले रहे हैं। मैं तीनों प्रधानमंत्रियों का नाम सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भदैनी मोहल्ला, भदैनी मोहल्ला में नहीं, नेपाली खपड़ा और दूध विनायक में नहीं थे, भदैनी मोहल्ले में एक फैमिली उनकी रविंद्रपुरी में रहती थी, बाकी सबकी भदैनी मोहल्ले में रहता था, कोइराला परिवार था। मैं समझ गया आप सब लोग कोइराला जी को बता रहे हैं, लेकिन तीनों प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बनारस ने नेपाल को 3 प्रधानमंत्री दिए, एक तो हमारी सिस्टर शिखा ने बताया गिरिजा प्रसाद कोइराला, बिल्कुल ठीक है गिरिजा प्रसाद कोइराला एक, बाकी 2 और प्रधानमंत्रियों का नाम बताइए। बिल्कुल सही कह, भदैनी मोहल्ला बिल्कुल ठीक है। हरि गौतम जी ने सही कहा केपी भट्टराई, दूसरे प्रधानमंत्री हैं केपी भट्टराई, तीसरे प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बिल्कुल ज्योति जी आप सही कह रहे हैं, गिरिजा प्रसाद कोइराला एक, हरि गौतम जी ने कहा केपी भट्टराई और कोइराला, तीसरा नाम कौन है? बिल्कुल वीपी कोइराला, तीसरा नाम बताइए, वीपी कोइराला, जीपी कोइराला, केपी भट्टराई, 3 नाम हो गए, एक और नाम है, 4 नाम है, लोकेंद्र बहादुर नहीं, केपी भट्टराई हो गए।
एक नाम और बच गया है, बनारस ने नेपाल के प्रधानमंत्रियों को दिया है, मैं तीन कह रहा था अब चार की बात आ गई, चार प्रधानमंत्री दिए हैं एक ही मोहल्ले ने, बीपी कोइराला, जीपी कोइराला, केपी भट्टराई और चौथा नाम लोकेंद्र बहादुर, नहीं लोकेंद्र बहादुर नहीं, चौथा नाम है अब इसमें आगे बढ़ना बंद हो गया, वो देना पड़ेगा, चौथा नाम है मैं बता देता हूँ, कोई और बताएगा, इसमें वो नहीं आ रहा है कमेंट्स, कमेंट्स कहाँ आ रहा है, अच्छा ये लोकेंद्र बहादुर के बाद अगला नाम मनमोहन अधिकारी, मनमोहन अधिकारी भी यहीं के थे और ये चार प्रधानमंत्री स्वयं भारत ने, बनारस ने दिए, भदैनी मोहल्ला और रविंद्रपुरी, मनमोहन अधिकारी। सो चार नाम हो गए, जीपी कोइराला, वीपी कोइराला, केपी भट्टराई और मनमोहन अधिकारी। बहुत बहुत सादर, अजय राय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाद में निराला निवेश में गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं शुरू की आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये चार नाम हो गए। अगला प्रश्न आप लोगों से, बनारस की एक बहुत खासियत रही है गहरे बाजी, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि गहरे बाजी क्या होती है, गहरे बाजी। गहरे बाजी आप में किसी को पता है गहरे बाजी क्या कहते हैं, किसको? अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं घुड़दौड़, कुछ और बताइए, घुड़दौड़ के साथ कुछ और बताइए, पूरा पूरी बात बताइए, गहरे बाजी नहीं, कबूतर बाजी नहीं है, गहरे बाजी किसको कहते हैं बनारस में? इक्का दौड़, इक्का टिक्का दौड़, बिल्कुल ठीक है, राजीव मोहन शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, इक्का दौड़, किशन महाराज गहरे बाजी भी थे, बिल्कुल सही कहे, अजय राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, किशन महाराज जी गहरे बाजी में बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, गहरे बाजी मतलब इक्का दौड़, इक्का दौड़। अविनाश कुमार द्विवेदी जी कह रहे हैं 420, ऐसा कुछ नहीं है, ये है इक्का दौड़, विनय मोहन पाठक जी ने सही कहा, नहीं अजय सिंह जी सिक्के निकाला नहीं, कन्हैया के डी जी नहीं, तैराकी भी नहीं, कबूतरबाजी भी नहीं, पतंगबाजी भी नहीं, ये कहते हैं इक्का दौड़, पीपी आनंद मिश्रा जी ने सही कहा, इक्का दौड़, इक्का दौड़। किशन महाराज जी बहुत ही शौकीन थे गहरे बाजी के, इक्का दौड़ इसको कहते थे। अगला प्रश्न, एक बहुत ही फेमस बनारस का गांव है, बिल्कुल शरद शुक्ला जी ने सही कहा, इक्का दौड़, नवल किशोर जी भी कह रहे हैं इक्का दौड़, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पंडित किशन महाराज भी इक्का दौड़ के शौकीन थे। एक बनारस का बहुत प्रसिद्ध गांव है लमही, आप सब जानते होंगे लमही, लमही का नाम लेते ही एक किसी बहुत विख्यात बनारसी का नाम आता है, लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा एकदम अलग है, लमही के पास, लमही गांव में के पास जो पूरा लिखा गया
देखिए लम्ही गांव के नज़दीक वाचस्पति उपाध्याय ज्वाइन कर लिए, बिल्कुल कन्हैया दुबे के डी जी कह रहे हैं प्रेमचंद लम्ही। प्रेमचंद जी के 3 प्रसिद्ध उपन्यासों का नाम बताइए, 3 प्रख्यात उपन्यास बताइए, 3 प्रख्यात दरोगा। मुंशी प्रेमचंद जी के 3 प्रख्यात दरोगा, 3 प्रख्यात उपन्यासों का नाम बताइए, हाँ गोदान गबन, ये 2 हुए प्रख्यात, निर्मला गबन गोदान, और कोई कोई ट्राई करेगा, हाँ आप बताइए क्या कह रही हैं, नमक का दरोगा अच्छा आपने बताया, कफन गोदान गबन, यतीन नाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं गोदान गबन निर्मला, गोदान गबन निर्मला बिल्कुल ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग जान रहे हैं। अब इसमें जो प्रश्न मेरा है वो ये है कि एक बहुत प्रख्यात इनकी जो उपन्यास थी, नाटक था कफन, क्या कफन के बारे में आप एक लाइन भी बता सकते हैं, कफन बहुत ही प्रख्यात इनकी एक बिल्कुल ठीक है राकेश गिरी जी, गबन गोदान नमक का दरोगा, कफन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आप सब लोगों से, कफन कफन के बारे में 2 लाइन जरूर बताइए। अनूप गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गोदान गबन नमक का दरोगा, शिवेश मिश्रा के बाजार हुस्न और करम भूमि, मैं कफन नाटक के बारे में पूछ रहा हूँ, गांव की कथा थी लम्ही की, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं, सर पढ़ी नहीं आगे जरूर पढ़ूंगा, वेद प्रकाश चौबे जी कह रहे हैं, कोई है जो कफन के बारे में बता सके, कफन फिल्म नाटक के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल अजय राय जी ने सही कहा, घीसु माधव की तरह आलू भुने, बिल्कुल आर्थिक उत्पीड़न की कहानी, अजय राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, कफन कहानी है घीसु माधव की तरह, बिल्कुल सही, घीसु और उसका बेटा और उसकी बहू के मृत्यु के बाद भी कफन के ऊपर कहानी है, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो, जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे थे वे ही कल बुलाकर देंगे, अजितेश सिंह जी ने लिखा है, बिल्कुल ये घीसु माधव की कहानी है जैसा कि अजय राय जी ने कहा, कामायनी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कफन की, और कफन के नाटक में अंत में क्या होता है, अंत में जो घीसु और माधव हैं वो कफन के झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे, ब्रजेश कुशवाहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो दारूबाज मतलब शराब पीते थे दोनों, और अंत में क्या होता है, अजय राय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये कफन दफन के लिए फिर पैसे दे देंगे, आज मौज करने दो, यही इस कहानी का सार था कि कफन व्यक्ति में नशे की आदि की कहानी है, बिल्कुल सही कहे अजय राय जी ने सही कहा, जल योद्धा आर्या शेखर जी ने सही कहा, यतीन नाथ चतुर्वेदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अजय राय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस आज के प्रश्नों में
अजय राय जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है, तमाम क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। कफन के पैसे का अब हम आप लोग आपको एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे। हाँ, आज एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन चूंकि बनारस का एकदम खांटी बनारसी प्रश्न है, क्या आपको पता है कि जब बनारस में गंगा नहीं थी उसके पहले भी काशी काशी ही था? गंगा के पहले भी काशी में शवदाह होते थे, धार्मिक क्रिया होती थी, तो गंगा के पहले काशी में क्या था? गोपाल मिश्र जी आ गए, भैया प्रणाम कह रहे हैं। अजय राय जी उजाला वाले हैं, बिल्कुल सही कहे, और वाचस्पति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब शराब पी गए कफन के पैसे से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काशी में गंगा के पहले काशी में क्या था? धार्मिक क्रियाएं कहाँ होती थीं, कहाँ शवदाह होता था, क्या था बनारस काशी उसके पहले, गंगा के पहले? मयंक त्रिपाठी जी सादर प्रणाम। आनंदवन था, बिल्कुल एक बात सही, आनंदवन था। मेरा प्रश्न ये है कि गंगा के पहले जो यहाँ महाशमशान काशी को कहा जाता है वो कहाँ था, काशी में और क्या था? वर्णों और अस्सी पर शवदाह नहीं होता था? नहीं, नंदनवन के नाम, आनंदवन के नाम से प्रचलित ये पता है। आदि गंगा के से ईश्वर गंगी थी, और क्या था, शमशान कहाँ था? शरद शुक्ला जी कह रहे हैं शमशान अस्सी घाट पर था। ये बनारस के आने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बनारस के आने के पहले काशी में एक तो आनंदवन था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हरिश्चंद घाट पर सौदा हुआ था, नहीं वो नहीं, और क्या था काशी में? कन्हैया, बिल्कुल अजय राय जी ने सही बताया, कन्हैया जी ने सही कहा, गोपाल जी सही करें, ईश्वर गंगी का पोखरा था, चौक थाने के पास था, शौदा होता था, हड़ा सराय नहीं कुछ और था, एक कुंड था जो काशी में गंगा जी से पहले था, एक कुंड था, उस कुंड का नाम बताइए, आज भी वो कुंड है, बिल्कुल सही कहे, हड़ा सराय के पास अस्थि क्षेप तड़ाक था, शमशान हड़ा सराय में था, किस कुंड के किनारे पूरा ये धार्मिक कार्य काशी में होता था? चौक थाने के नजदीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस मैं एक हिंट देता हूं, आज भी वो कुंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी, बिल्कुल सही कहे, मणिकंडिका कुंड, मणिकंडिका कुंड जो आज है उसको कहते थे चक्र पुष्करणी कुंड, बिल्कुल सही कहे, शिखा त्रिपाठी जी कह रही हैं चक्र पुष्करणी तीर्थ, चक्र पुष्करणी तीर्थ जो है, चक्र पुष्करणी तीर्थ उसका एक पूरा श्लोक में लंबाई चौड़ाई है, कहाँ से कहाँ तक था, स्वर्ग द्वार से लेकर के मध्य गंगा तक, और इधर हरिश्चंद्रेश्वर से लेकर के दूसरे ये छोर जो स्वर्ग द्वार का है वहाँ तक, तो करीब ये 2-2.5 किलोमीटर चौड़ा चक्र पुष्करणी तीर्थ था। इसके एक कोने पर जहाँ चौक थाना है वहाँ हड़हा सराय के पास, वहाँ शवदाह के बाद अस्थि विसर्जन, हड़हा सराय अस्थि समूह वहीं रहता था, वहीं वहाँ डिस्पोज करते थे, चक्र पुष्करणी तीर्थ। और इसको सबसे पहले सही बताया
यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी ने मणिकर्णिका कुंड का और शिखा त्रिपाठी जी ने इसको सही बताया, चक्र पुष्करणी तीर्थ, चक्र पुष्करणी तीर्थ। अब मैं 5 क्वेश्चन और हैं आज के, 5 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन, बनारस से आज तक एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, उनका नाम बताइए। अजय राजी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, विष्णु ने उसे चक्र से बनाया था। उत्तर प्रदेश से कौन मुख्यमंत्री हुआ था बनारस से? मुख्यमंत्री आ रहा है। अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं कमलापति त्रिपाठी जी, राजनाथ जी कह रहे हैं, मंजीत सिंह कह रहे हैं राजनाथ जी, शिखा त्रिपाठी कह रहे हैं कमलापति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले कैलाश भट्टर जी कह रहे हैं कमलापति त्रिपाठी, सब लोग कमलापति त्रिपाठी कह रहे हैं, केवल राजीव मोहन शर्मा जी ने कहा है डॉक्टर संपूर्णानंद, नवल किशोर मिश्रा जी कह रहे हैं कमलापति त्रिपाठी, पीपी आनंद मिश्रा जी कह रहे हैं कमलापति त्रिपाठी, राजीव मोहन शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल। अजय राय जी चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद और कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर संपूर्णानंद और कमलापति त्रिपाठी। अजय राज बिल्कुल सही कहे, संपूर्णानंद बिल्कुल ठीक कहे आप। राजीव मोहन शर्मा जी ने सबसे पहले बताया डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अनूप गुप्ता जी, सुनीता जोशी जी, अजय राय जी बिल्कुल सही कहे, डॉक्टर संपूर्णानंद। एक ऐसा नाम है बनारस का जो देश का, भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना, भारत के स्वास्थ्य मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र से डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने ज्वाइन किया है और उन्होंने बहुत ही तत्परित तो सही आंसर दिया, राज नारायण, राज नारायण। के सिंह जी भी कह रहे हैं राज नारायण, यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी राज नारायण, राजीव मोहन शर्मा जी कह रहे हैं लोकपति त्रिपाठी जी, वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने कहा भारत का स्वास्थ्य मंत्री, बिल्कुल सही कहे राज नारायण। विभू शरीन जी राज नारायण बिल्कुल सही कहे, राज नारायण बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, राज नारायण सही है, राज नारायण बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कहे बलवंत नारायण झा जी कहे, अनुप्रिया पटेल जी बिल्कुल, वो मिर्ज़ापुर से उन्होंने थी और बिल्कुल सही कहे। वाचस्पति उपाध्याय जी कह रहे हैं लोकपति त्रिपाठी, वो प्रदेश के थे,
सबसे पहले ये आंसर दिया सूर्य प्रकाश पांडे जी ने, बहुत बहुत आपको सादर धन्यवाद। आज के लिए तीन प्रश्न और हैं, तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये लीजिए। ब्रजेश कुशवाहा जी एक दुखद समाचार दे रहे हैं, जौनपुर में एक बांग्लादेशी और एक रांची जो उसका गाइड था दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले, ये दुखद समाचार है हम सबके लिए। ब्रजेश जी ऐसे समाचार अपडेट किया करिए। तीन और प्रश्न आज के हैं। पहला, मतलब 18वां प्रश्न है, रामनगर की रामलीला किसने शुरू कराई थी? अजय राय जी बता रहे हैं कि प्रोफेसर ए के जैन सर के निधन की बात आ रही है। प्रोफेसर ए के जैन सर कैंसर से पीड़ित थे और देश के प्रख्यात गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, हम सब लोगों की बहुत बहुत, हमारे टीचर भी थे प्रोफेसर ए के जैन, बहुत कष्ट हुआ सुन के। रामनगर की रामलीला किसने शुरू कराई थी? बिल्कुल सही कहे अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, बिल्कुल सही कहा। महाराजा काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह जी ने शुरू कराई थी, नहीं विभूति नारायण सिंह जी नहीं, महाराजा बनारस ईश्वरी नारायण सिंह जी ने शुरू कराई थी काशी में रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला को। बिल्कुल ठीक कहे अफसर खान जी, तुलसीदास जी ने वहाँ नहीं शुरू कराई थी। बिल्कुल सही कहे महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह जी ने शुरू कराई थी। कन्हैया जी कह रहे हैं काशी नरेश, महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह जी ने शुरू कराई, महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह जी। 19वां प्रश्न, क्या आपको पता है कि बनारस से भारत के राष्ट्रपति भवन का क्या संबंध है? बनारस से भारत के राष्ट्रपति भवन का क्या संबंध है? आप सारे लोग उसको शेयर खूब करिए, सब शेयर करेंगे तो और लोग भी जानेंगे बनारस के बारे में, खूब जोक जानिए। बनारस से राष्ट्रपति भवन का क्या संबंध है? वेद प्रकाश चौबे जी कह रहे हैं घोड़े, सुनीता जोशी जी कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं नहीं आज के दिन भी कह रहा हूं, बनारस से राष्ट्रपति भवन का क्या संबंध है? अनूठा संबंध है, बताइए क्या है वो? डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे कह रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर, पूरी बात बताइए क्या संबंध है? BHU के वैसे राधा कृष्ण जी राष्ट्रपति बने, वो नहीं, वो तो सही बात है, आज के दिन भी बनारस से राष्ट्रपति भवन का क्या संबंध है? सारे लिख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर, कृष्ण कुमार सिंह जी, वाचस्पति उपाध्याय जी, KD सिंह जी, नवल किशोर मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो घाट वाकर होगा वो जानेगा क्या संबंध है। महाराजा चेत सिंह के किले से संबंध है, बिल्कुल सही कहा नवल किशोर मिश्रा जी ने। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं आप ही बता पाएंगे, IAS से भी ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं कहना बताना चाहता हूँ कि आज के दिन भी बनारस से राष्ट्रपति भवन का क्या संबंध है? बहुत लोग कह रहे हैं राम मिठाई भंडार से मिठाई जाती थी
जाति ये होगी भाई मुझे नहीं पता है, अजय राजकरण जन गण मन नहीं, मैं बताता हूँ क्या संबंध है। 17वीं शताब्दी के अंत में महाराजा चेत सिंह जी ने अपने 20 घुड़सवार भारत सरकार को दिए। जो भारत सरकार को उन्होंने 20 घुड़सवार दिए वो वायसराय के स्वागत के लिए दिए, वो 20 घोड़े जो दिए थे और 20 गार्ड जो दिए थे, वही गार्ड आज के दिन भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट PPG प्रेसिडेंशियल बॉडी गार्ड यानी राष्ट्रपति के अंग रक्षक उन्होंने दी थी, और उसी को सबसे पुराना भारतीय रेजिमेंट, भारतीय इंडियन मिलिट्री का सबसे पुराना रेजिमेंट माना जाता है। वो जो 20 घुड़सवार महाराजा चेत सिंह ने दिया, इसलिए उनको राष्ट्रपति अंगरक्षक ग्रुप PPG का फाउंडर कमांडर माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के जो PPG होती है उसका फाउंडर कमांडर महाराजा चेत सिंह है, और हर 5 साल में एक बार राष्ट्रपति भवन में महाराजा चेत सिंह को, चूँकि वो फाउंडर कमांडर हैं PPG के, एक बार उनको सलामी राष्ट्रपति जी खुद देते हैं। द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया सल्यूट्स द फाउंडर कमांडर ऑफ PPG महाराजा चेत सिंह। ये काशी का गौरव है, ये काशी का गौरव है, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि काशी के कितनी गौरवशाली इतिहास है और महाराजा बनारस का कितना गौरवशाली इतिहास है। मैं भी उस कार्यक्रम में एक बार रहा हूँ और मैंने देखा कि जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे तो उन्होंने अपने नाम का ट्रम्पेट बनर जिस दिन प्रेजेंट किया, उस फंक्शन में सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति जी ने फाउंडर कमांडर महाराजा चेत सिंह को सल्यूट किया, उनकी फ़ोटो लगी थी और उनको सल्यूट किया। ये काशी का गौरव है। दो प्रश्न और। बनारस में एक रामलीला ऐसी होती है जिसमें केवल झांकी की लीला होती है, कोई संवाद नहीं होता, वो लीला कौन सी है और वो किसने शुरू की थी? काशी की एक ऐसी रामलीला है, ऐतिहासिक रामलीला, जिसमें संवाद नहीं होता, केवल झांकी की लीला होती है, और वो लीला कौन सी है और किसने शुरू की? अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं मौनी बाबा रामलीला। हमारे दिल्ली से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं आशीष महर्षि जी, संतोष मुडनवाल जी कह रहे हैं मौनी बाबा रामलीला, मौनी बाबा रामलीला वाचस्पति जी, रजतेश जी भी कह रहे हैं। नहीं, कोई और एक और रामलीला है जो जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, जो ऐतिहासिक, बहुत पुरानी, गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से शुरू हुई और आज भी चल रही है, जिसमें केवल झांकी की रामलीला होती है, मौनी बाबा रामलीला से भी पहले की रामलीला, वो कौन सी रामलीला, किसने शुरू की थी? बिल्कुल सही कहे अजय राय जी ने, गोस्वामी जी के परम प्रिय मित्र, उनके साथी मेघा भगत जी ने चित्रकूट की रामलीला शुरू की थी, जो काशी में चित्रकूट रामलीला के नाम से फेमस है, और इसी के अंतर्गत नाटी इमली का भरत मिलाप होता है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक रामलीला है, चित्रकूट का, चित्रकूट रामलीला समिति काशी की, और इसको शुरू किया था मेघा भगत जी ने, और मेघा भगत जी ने बिल्कुल सही कहे, राम कटोरा का भरत मिलाप या नाटी इमली का भरत मिलाप, तो अजय राय जी ने बिल्कुल सही कहा, अजय राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल सही कहे। अफसर खान जी चित्रकूट कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहे। अब जाने से पहले एक अंतिम क्वेश्चन आप लोगों को मैं पूछ लूँ, आप लोग पहले तो इसको खूब शेयर कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, जिससे लोग बनारस के बारे में खूब जाने, खूब जाने। नहीं वो चिरकुट नहीं, चित्रकूट ही लिख रहे हैं, गलती से चिरकुट लिख गए, चित्रकूट लिख रहे हैं, वो चित्रकूट लिख रहे हैं। तो एक दिन कल किसी ने पूछा था कि डॉक्टर साहब आप लिख पढ़ के आते हैं क्या? मैं देखिए कोई कॉपी पेन नहीं रखा हूँ, मैं कोई लिखता पढ़ता नहीं, सब अपने दिमाग से। ऐसे काशी के बारे में चाहता हूँ लोग जानें, लोग समझें, तो मैं पूछता रहता हूँ, आप लोग उत्तर देते हैं, काशी के बारे में जानते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी दे दूँ, इससे पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन पूछें। आज काशी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव आज पेशेंट नहीं मिला, ये सबसे अच्छी जानकारी है, इससे अच्छी जानकारी और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही बढ़िया जानकारी कि काशी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव आज नहीं मिला, ये बहुत सबको बहुत बहुत बधाई है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हमारे वाइफ जो हैं वो भी क्वेश्चन पूरा देख रही हैं, और हमारी बिटिया भी देख रही है, और सारे लोग लाइव पर लगे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये आप सब लोगों के लिए, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं आपकी जागरूकता का असर है, बिल्कुल ठीक है। अजितेश जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। काशी में अब तक कुल कितने कोरोना वायरस मिले? कोरोना केवल 2 मिले हैं, और ये हम और हमारी बिटियां यहाँ बैठी हैं लास्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन, BHU की चार दीवारी, जो BHU की चारों तरफ जो चार दीवारी है और BHU गेट, ये किसने बनवाया? आपको पता है? नहीं, ऐसे है। अच्छा, BHU का गेट और चार दीवारी किसने बनवाया? डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का एक दिन अमिताभ बच्चन भी देखेंगे। नहीं, ये तो हम लोग लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन का टाइम हम चाहते हैं कुछ हम सब लोग कृष्ण कुमार सिंह जी कह रहे हैं बिरला एक सहयोग से। नहीं, मंजीत सिंह जी कह रहे हैं महाराजा बलरामपुर पाटेश्वरी सिंह जी ने बिरला जी के सहयोग से, बिरला जी का नहीं। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ गेट किसने बनवाया और पूरा दीवार किसने बनवाया? BHU गेट किसने बनाया? ये चारे कोई पगड़ी वाले जो बाबा जी को बता रही हैं। अच्छा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने तो BHU बनवाया था, मैं जानना चाहता हूँ गेट किसने बनवाया और चार दीवारी किसने बनवाई? आशीष महर्षि जी कह रहे हम तो फेल हो गए। ऐसा नहीं है। अभिषेक यादव जी कह रहे हैं महाराजा बलरामपुर, कृष्ण कुमार सिंह जी हैं महाराजा पाटेश्वरी, ब्रजेश केवी जी कह रहे हैं मिस्त्री ने। ब्रजेश जी, हम लोग यहाँ मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग बनारस के ऊपर सीरियस हम लोग गेम खेल रहे हैं। ए, ए, ये सीरियस इशू है, बनारस बनारस को जानने का एक मौका है। कन्हैया केडी जी राजस्थान के खेतड़ी महाराजा जी। ये दो प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, कल आप लोग मुझे बताइएगा कि BHU गेट किसने बनवाया और BHU की दीवारें किसने बनवाई। इसी के साथ आज अनूप गुप्ता जी के काशी नरेश
मैं आप लोग को एक दिन का पूरा मौका दे रहा हूँ, थोड़ा बीएचयू के बारे में पढ़िए। आज हम लोग भगवान राम के ऊपर पूरा कुछ पूछने वाले थे, आज नहीं कल हम लोग पूछेंगे, लेकिन ये दो प्रश्न आप कल जरूर जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आप सब लोगों को सादर नमस्ते, ऑल द बेस्ट।